श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए घोषित हुई भारतीय टीम की स्क्वाड इन खतरनाक खिलाड़ियों को मिला टीम इंडिया में जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मुकाबलों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है, जहाँ पर टीम इंडिया में कई शानदार खिलाड़ियों की वापसी हुई है तो कई बेहतरीन खिलाड़ियों को मौका मिला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार टीम इंडिया की तरफ से टी20 सीरीज में कौन कौन से खिलाड़ी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करके बेहतरीन जीत दर्ज करे। तो दोस्तों, टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में एक बार फिर सीनियर खिलाड़ियों को भी मौका मिला है। हाल ही में हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम के कई सीनियर खिलाड़ी खेलते हुए नजर नहीं आए थे, लेकिन एक बार फिर इस सीरीज में भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, यानी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को एक बार फिर हम टीम इंडिया के लिए खेलते हुए देखेंगे। वैसे बात की जाए तो इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ कई युवा खिलाड़ियों को भी भारतीय टीम में जगह मिली है। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर नज़रें सभी उन खिलाड़ियों के ऊपर रहेगी जिन्होंने हाल ही में टीम इंडिया के लिए टी20 में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो साथ ही कप्तान रोहित शर्मा, जो कि पिछले कुछ समय से टी20 में अपना जलवा दिखाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, तो वो यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे भारतीय टीम की बल्लेबाजी की हम बात की जाए तो विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी तो हैं, इसके अलावा टीम में श्रेयस अय्यर, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों को भी जगह मिली है, यानी कि रविंद्र जडेजा भी एक बार फिर टीम इंडिया के लिए वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर इसके अलावा संजू सैमसन को भी टीम इंडिया में जगह मिली है। गेंदबाजी में भी भारतीय टीम की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, उमरान मलिक, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ियों को जगह दी गई है, यानी कि भारतीय टीम की तरफ से दो सीनियर खिलाड़ी जो काफ़ी लंबे समय से बाहर चल रहे थे, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह, दोनों खिलाड़ी यहाँ पर भारतीय टीम के लिए वापसी करते वे दिखेंगे। इसके अलावा यजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की जोड़ी भी एक बार फिर टीम इंडिया के लिए कमाल करती हुई नजर आएगी। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के टॉप 5 खिलाड़ी चुनते हैं जो भारत के लिए सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें सबसे बड़ा नाम सूर्य कुमार यादव का ही आता है, जिन्होंने हाल ही में टीम इंडिया के लिए कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई है और उनकी दमदार बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया ने कई मुकाबले अपने नाम किए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सूर्य कुमार यादव इस सीरीज में भारतीय टीम के सबसे बड़े की प्लेयर रहने वाले हैं। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी के तौर पर विराट कोहली मौजूद हैं। बल्लेबाजी में टी20 क्रिकेट में कमाल करने वाले विराट कोहली एक बार फिर इस सीरीज में भी टीम इंडिया के लिए कमाल करते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली का टी20 का वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस देखे तो काफ़ी लाजवाब रहा था, ऐसे में यहां पर भी एक बार फिर वो शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। वहीं पर तीसरे खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या का नाम आता है। हार्दिक पांड्या ने भी टी20 में पिछले कुछ समय से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया है, तो वो एक बार फिर गेंद और बल्ले दोनों से यहाँ पर कमाल कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, बल्लेबाजी में ये 3 खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए कमाल का परफॉर्मेंस इस सीरीज में भी कर सकते हैं। तो वहीं पर दोस्तों, गेंदबाजी भी भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह सबसे बड़े की प्लेयर रहने वाले हैं, जिनकी शानदार वापसी हो रही है। तो साथ ही साथ अर्शदीप सिंह भी टीम इंडिया के लिए कमाल कर सकते हैं। यानी कि इन 5 खिलाड़ियों के ऊपर सबसे ज्यादा निगाहें एक बार फिर इस टी20 सीरीज में भी रहने वाली हैं। तो चले दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिरकार भारतीय टीम की स्क्वाड क्या है इन मुकाबलों के लिए। तो दोस्तों, भारतीय टीम के पहले खिलाड़ी यानी कि कप्तान है रोहित शर्मा, तो उपकप्तान है KL राहुल। इसके बाद तीसरे खिलाड़ी के तौर पर हमें ईशान किशन दिखेंगे, तो चौथे खिलाड़ी विराट कोहली है। पांचवें खिलाड़ी के तौर पर श्रेयस अय्यर को टीम में जगह मिलेगी, तो छठे खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव है, जबकि सातवें खिलाड़ी के तौर पर संजू सैमसन हमें खेलते हुए नजर आएंगे, तो आठवें खिलाड़ी हार्दिक पांड्या रहने वाले हैं, जबकि दोस्तों नौवें खिलाड़ी के तौर पर रविंद्र जडेजा टीम में दिखेंगे, तो दसवें खिलाड़ी अक्षर पटेल होने वाले हैं, ग्यारहवें खिलाड़ी के तौर पर जसप्रीत बुमराह, तो बारहवें खिलाड़ी अर्शदीप सिंह होंगे, जबकि तेरहवें खिलाड़ी के तौर पर उमरान मलिक हैं, तो चौदहवें खिलाड़ी कुलदीप यादव, जबकि पंद्रहवें खिलाड़ी के तौर पर यजवेंद्र चहल दिखेंगे। तो वहीं पर सोलहवें खिलाड़ी के तौर पर भुवनेश्वर कुमार दिखने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो भारतीय टीम की ये स्क्वाड काफ़ी शानदार नजर आ रही है। वहीं पर अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये मुकाबले कब और कितनी बजे शुरू होंगे। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुकाबला 3 जनवरी को खेला जाना है, यानी कि 2023 का पहला मुकाबला टीम इंडिया श्रीलंका के साथ खेलेगी। यह मुकाबला शाम के 7 बजे शुरू होगा 3 जनवरी को। दूसरा मुकाबला पुणे में खेला जाएगा, जो कि 5 जनवरी को शुरू होगा। यह मुकाबला भी शाम के 7 बजे ही खेला जाएगा। इसके बाद आखिरी मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा 7 जनवरी को। यह मुकाबला भी 7 बजे ही शुरू होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन सीरीज़
सीरीज में टीम इंडिया कमाल कर पाएगी। साथ ही आप इन मुकाबलों को स्टार स्पोर्ट और हॉट स्टार पर लाइव देख सकेंगे। तो दोस्तों आपके हिसाब से स्क्वाड क्या होनी चाहिए टीम इंडिया की, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।